लेकिन यहां पर गॉबलिन की बात करी जाए, एस12 के उनके हाथों में है जरूर, बट क्या एस12 के उतना दूर दराज का डैमेज दे पाएगी? कोशिश है जरूर, बट केएसआर आगे भगते हुए और गॉबलिन उनके पीछे पकड़न पकड़ाई का एक खेल यहां पर शुरू करना चाहते, लेकिन इस खेल में बड़ा फायदा यहां पर गॉबलिन को होना चाहिए जरूर। लेकिन आदित्य बिल्कुल सामने आ चुके, गॉबलिन शायद भांपा, उनको लगा कोई प्लेयर करीब है। आदित्य के पास है UMP, गॉबलिन इस समय दिक्कतों में हो सकते हैं, खुद को सेफ साइड रखना जरूर चाहेंगे। अक्षत काफी करीब जरूर है, उनको वो बैकअप देने के लिए आ सकते हैं, बट आदित्य यूएमपी AKM ये दो चीजें हैं, सोल शायद उतरते ही दिक्कतों में हो सकती है। बट कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है UP50 का, वो मेरे ख्याल से फाइट लेने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकफुट पे है, वो लड़ना नहीं चाहते, पॉइंट्स उनके पास नहीं है, वो चाहते हैं कि सरवाइव करें, एंड दैट इज वेयर सोल को फायदा मिल सकता है इस बार। बट गॉब्लिन रणवीर का शिकार होते आपको नजर आ जाएंगे। अब मौका है, अब वो ओपनिंग मिल चुकी है जो UP50 को एनेबल कर सकती है अटैक करने के लिए। बट अक्षत एक AKM जरूर, और हम जानते हैं जब अक्षत अकेले होते हैं तो मैजिक जरूर होता है। लेकिन यहां पर UP50 के प्लेयर्स देखिए आगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद इस समय योलो जो बटन है वो इनेबल कर दिया इन प्लेयर्स ने। हालांकि KSR के ऊपर शॉट्स आए जरूर थे, एक और शॉट और अक्षत उनको डाउन करेंगे। रणवीर इस पूरे सिचुएशन के अंदर 13 गोलियां हैं उनके पास, एक ग्रेनेड डेफिनेटली यहां पर कुक कर सकते हैं, अगर ग्रेनेड सही जाता है बहुत ज्यादा डैमेज प्लेयर्स को पड़ सकता है। सोल के प्लेयर्स उस एक एरिया में, आखिरी 13 गोलियां है क्या इनके पास, रीलोड कर जरूर है। रणवीर का ग्रेनेड गोब्लिन को वापस से डाउन करता हुआ, सोल के प्लेयर्स दिक्कतों में एक बार फिर से, अक्षत का इस बार एक खूंखार ग्रेनेड जाएगा, मल्टीपल प्लेयर्स को डाउन करते हुए। सरकार को भी स्पॉट किया जा चुका है, अक्षत के पास हेलमेट नहीं है, लेकिन यहां पर फाइट के लिए लगता है जज्बात बहुत ज्यादा बेहतरीन। हेक्टर खुद को हील करते हैं नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद फाइट नहीं पड़ सकते। रणवीर काफी करीब आ चुके हैं और वहीं पर सरकार सामने की तरफ को मूव कर रहे हैं। हेक्टर को इस चीज को भापना पड़ेगा, भाप लिया है, जल लिया है, सरकार को भी स्पॉट किया जरूर जाएगा। हेक्टर के पास इतना अच्छा ग्राउंड है कि फाइट यहां से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव करें, वहीं पर एक रिवाइवल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हेक्टर नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइम। सो के चारों प्लेयर्स तंदुरुस्त हैं, उनके पास 75 HP है, बट क्या इसके पास फाइट निकाल पाएंगे वो इंपॉर्टेंट सवाल। और उसी चीज के बीच में रणवीर को डाउन किया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा, गॉब्लिन का गुस्सा यहां पर दिखता हुआ। KSR को भी डाउन करेंगे, ओमेगा पीछे से वो फ्रैग्स उठाते नजर आ रहे हैं, और अब देखते ही देखते UP50 ने उस सोए हुए शेर को जगा दिया है जो मिरामार में दहाड़ रहा है, और UP50 एक प्लेयर के साथ है यहां पर। सरकार जा जरूर रहे हैं, पर क्या जाने दिया जा रहा है वो एक सवाल, क्योंकि आप देखिए सोल के प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं। सरकार खुद को एक सेफ एंगल पर लेकर के आ चुके हैं, इस घर में शायद रुकना चाहेंगे, बट इज दैट इनफ? Well, let's see if that is going to be enough, because सरकार के पास कोई गाड़ियां नहीं है, और शॉट तो उनके ऊपर भी यहाँ पे आते हैं, मैं देख रहा हूँ कहाँ से ये शॉट पड़ा है उनको, बट अभी के लिए सर्वाइव करना बहुत जरूरी। UP50 ऑलरेडी बैक पे जा चुके हैं, जो हम चीज की हम बात करें, चारों प्लेयर्स टीम सोल के अब आपको रश करते हैं, नजर आ जाएंगे सरकार के पास एक मौका क्लच करने का, पॉजिटिवली अगर देखा जाए, और नेगेटिवली अगर देखा जाए तो सरकार फंसते हुए अभी के लिए आपको नजर आ जाएंगे। सीढ़ी पे जा चुके, टीपी रहने की कोशिश उनके पास जरूर है, टीम सोल फिनिश, टीम UP50 एक और खराब शुरुआत टीम UP50 की, बट ऑशन अक्षत का वो नीड एक सिंगुलर नेट से पूरा का पूरा जो बैलेंस था वो अपने फायदे में डाल दिया टीम सोल के प्लेयर्स। जिस जगह को हमने बोला था गोल्डन माइन है ये जगह इस समय पोजीशंस के लिए, और उसी के अराउंड सोल के प्लेयर्स आ चुके हैं। गॉब्लिन एक ग्रेनेड कर जरूर रहे, क्रेजी सोल के थोड़ा सा दूर दराज के एरिया पर वो रह जाएगा, एक और ग्रेनेड यहां पर अगर गॉब्लिन की बात करें, गॉब्लिन की बात करें करना जरूर चाहते हैं। वहीं पर शेन के ऊपर वो जा सकता था, हल्का सा डैमेज उनको हुआ है, 4 फिनिशेस इस टीम के पास है, जिसमें से 50% जो है वो गॉब्लिन ने निकाला था, और MK का इस्तेमाल क्या सही तरीके से कर पाएंगे आप देखिए। धीरे धीरे आगे जा रहे, 13 गोलियां है, रीलोड डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट वो मूवमेंट कैसे करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और साइड से बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, वहीं पर अगर 100 के प्लेयर्स की बात करी जाए, फियर्स साउंड, पंख को भार संभालना इस समय टीम का, क्या वो भार संभाल पाएंगे एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बन जाता है। टेकडाउन करेंगे एंड वहीं पर 100 के प्लेयर्स, एक और खराब गेम। बट वही अगर सोल की बात की जाए, अटैक करने की कोशिश वो भी करते हैं। देखिए 1v1 फाइट अगर यहाँ पे होती है तो गॉब्लिन को एडवांटेज है, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट, MK14 उनके पास जरूर है, बट INS एक कंपाउंड डिफेंड करना बहुत जरूरी। स्पॉट करा गया, दोबारा से यहाँ पर नॉक करा जाता है जोकर ओजी को, और अभी के लिए टीम सोला की तरफ से जरूर करते हैं, बट अभी के लिए गॉब्लिन बहुत ज्यादा डैमेज होता है। व्हाट आर यू डूइंग, इंफॉर्मेशन की कमी, टीम सोल भारी पड़ती हुई थी INS पे।
एक एक करके फिनिशेस उठाए जा रहे हैं। अक्षत को देखे खुद को हील करना चाहता है और वहीं पर आईएनएस के प्लेयर्स, जो कि हमने गोल्डन माइन एरिया बोला है, सेंट्रल एरिया था जोन का, उसको होल्ड कर रखा था इन्होंने, बट कुछ ना कुछ करते हुए टीम सोल के प्लेयर्स चतुराई से इस जगह को छीनते नजर आ रहे हैं। एक ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड इधर जाए उधर कहीं ना कहीं डैमेज दे सकता है, लेकिन यहां पर एक प्लेयर को डैमेज दिया जाएगा हेक्टर के ही द्वारा। अपना पहला फिनिश निकाल लिया और ये देखते ही देखते आईएनएस को बाहर का रास्ता दिखाएगी टीम सोल। दुख दर्द अफसोस वेदना व्यथा शोक संताप मातम पीड़ा विपदा खेत तकलीफ कसक अवसाद आफत कुड़न खिन्नत गम का सब कुछ टूटता है। लेकिन इसी सब के बीच में आप देखिए गॉबलिन अभी भी गुस्सा, अभी भी तैयार। चार फिनिशेस इस इकलौते इंसान के पास है और खूंखार होता हुआ नजर आ रहा है ये प्लेयर। वेल, इस टूर्नामेंट से पहले इनके फैंस बोलते थे होगा हेक्टर ओमेगा अक्षत एंड गॉब्लिन, गॉब्लिन एंड अक्षत, एंड ये हो रहा है, इनसे हो रहा है टीम सोल। दे आर जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट, बट गॉब्लिन चार फिनिशर्स निकाल चुके हैं। एक पोजीशन काफी अच्छी, जोन के काफी करीब आपको देखने को मिल जाती है ओशन ये टीम, एंड देखते हैं जोन का एडवांटेज इनको मिलता है। नेट में नेट जरूर हो रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए हैदराबाद हाइड्रास ने इंपैक्ट आगे रश करते, उनको पता कितना इंपॉर्टेंट जगह लेना, बट गाड़ी रुकी और प्लेयर्स का रथ भी रुका इसी जगह पर। ओमेगा खुद के लिए हील यहां पर कर नजर आ रहे, हेक्टर धीरे धीरे आगे जाना जरूर चाहते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट करना इंपॉर्टेंट है। इस बैक की गाड़ी डेफिनेटली दिख चुकी है, उसके ऊपर डैमेज देने की कोशिश, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को स्पॉट करके टेक डाउन करना कोई गॉब्लिन से सीखे। और प्लेयर यहां पर जाता हुआ हेक्टर डाउन होते, लेकिन उसी चीज का यहां पर रिटर्निंग गिफ्ट दिया है गॉब्लिन ने, और ग्रेनेड तो ऑन पॉइंट होते ही है, बट ग्रेनेड से पहले ही इनफैक्ट ग्रेनेड के साथ ही गॉब्लिन यहां पर करेंगे कामयाब। सात फिनिशेस इस प्लेयर के पास, आधा लॉबी इन्होंने टीम का साफ किया, 14 फिनिशेस है टीम के पास। तो आपने बिल्कुल सही कहा, यहां पे ओशन गॉब्लिन अब सुपर सैयन अवतार अपना ले चुके, आगे बढ़ने की कोशिश जोन के अंदर, अभी भी उनके पास एक डीसेंट पोजीशन कि लोअर ग्राउंड पे जोन है, अगर वो चाहें तो स्नीक इन करके जोन के अंदर जा सकते हैं और ऊपर से आने वाली टीम को शिकार होते हुए आपको सोल वर्सेस हाइड्रा, जहां पे सोल एक विनर विनर चिकन डिनर की तरफ आगे बढ़ता हूं। वाव, इज द लास्ट वन स्टैंडिंग एंड एक इजी चिकन टीम सोल के पास जाने वाला है। ओ, उनको स्पॉट कर लिया गया है ग्रेनेड से एंडिंग करने की कोशिश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट स्टिल टीम सोल अपने आप को पहले पायदान पर सुसज्जित रखेगी।